अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे 1K जो है वो पूरे हो जाए। तो इतना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, तभी कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है 1K में। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरे 1K हो जाए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और देखिए आज कितना ठंडा मौसम है और बारिश भी हो रही है, छीट बारिश के आ रहे हैं और बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो देखिए आज मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी, तो आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा सब्सक्राइब करते वक्त, ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए ना इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट की बात निकली है तो मैं आप सबकी वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मुझे बहुत खुशी है। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिए, और अपने ही अपनों को सपोर्ट करते हैं तो आप देखिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे जो 1K है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की आपके से मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, तो आगे की ओर चलते हैं हम अपनी रूटीन पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चावल जो चाले हुए थे ना, तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे इसकी कनकी निकाल के बालकनी में। तो सुबह में क्या है कि मैंने जब बालकनी का दरवाज़ा खोला ना, तो देखिए यहाँ पे कबूतर आ गए थे और सब उलट पुलट कर दिया है इन्होंने, और सब दाना देखिए थाले में से सारा गिरा दिया है। और ज़्यादा कबूतर भी यहाँ पे बालकनी में इकट्ठा हो गए थे और सब तहस नहस कर दिया, और बालकनी में चावल चावल सब में गिरा दिए हैं। तो देखिए अभी यहाँ मैं इन सब साफ़ कर रही हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद काम करके मैं छत पे जाऊँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सब फैला दिया है। और देखिए पहले किचन में चलती हूँ, मैंने कहा कि किचन में सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना गंदा सा है, तो फिर मैंने कहा पहले मैं गैस भी धो लूँगी। तो हमेशा गैस धोते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि बर्नर निकाल के धोना चाहिए गैस को, प्लेटफॉर्म को, तो नहीं तो क्या है कि पानी से जाएगा तो बर्नर ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए आज कितने ज़्यादा बर्तन हो गए, क्योंकि रात को साफ़ नहीं किए थे बर्तन, नहीं तो रोज़ ही रात को धो लेते हैं। तभी ठंडी का मौसम है ना, तो अभी सुबह में मैंने कहा एक साथ धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कितना मौसम हो गया है, बिल्कुल भी सूरज यहाँ पे नहीं निकला है और धूप का तो कोई नामो निशान नहीं है। और देखिए एकदम बादल छा गए हैं, वो अंधेरा हो गया है और ऐसा लग रहा है कभी बारिश आने ही वाली है। देखिए इस तरह का यहाँ पे मौसम हो गया है। तो चलिए अब बर्तन धो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बर्तन सारे इकट्ठा हो गए थे, तो थोड़े थोड़े करके मैं धो लूँगी। और ठंडी ज़्यादा अभी हो गई है तो रात में धोने का मन भी नहीं करता, तो बच्चे भी रात में धोते तो हैं, लेकिन मैंने कहा कि आज रहने दो, बहुत ठंडी है तो मैं सुबह में एक साथ ही धो लूँगी। तो यहाँ पे रात के खाने के और सुबह के नाश्ते के बर्तन ज़्यादा हो गए, तो क्या है कि मैं ही धो लेती हूँ, फिर बच्चे लोग वो झाड़ू पोछा कर लेंगे और मैं बर्तन और गैस सब धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बर्तन तो हमारे धुल गए हैं, अब गैस और प्लेटफॉर्म धोने का बस बाकी है, तो वही मैं सब धो लूँगी। सुबह के तो ऐसे काम होते हैं रूटीन के टाइम ही नहीं मिलता, बस काम काम और काम ही रह जाता है हम लेडीज़ों की लाइफ में। और देखिए यहाँ पे सब धुल गया है, सब क्लीन हो गया है, हमारा किचन एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। तो इस पर मैं बर्नर लगा दूँगी, वैसे पोछ लिया है मैंने गैस को। तो देखिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, तो यहाँ पर रख दिए हैं, तब थोड़े से नितर जाएंगे, गीले हैं तो फिर इन्हें मैं बर्तन को रख दूँगी इनकी जगह पे। और देखिए यहाँ पे कपड़े भी है, तो कल धोए थे तो इसे मुझे प्रेस करने का बाकी है, और देखिए यहाँ पे ये भी प्रेस करने के बाकी है सब कपड़े। तो चलिए यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो अभी कुछ जीन्स नहीं सूखे हुए थे तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और देखिए आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे संडे है, नहीं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, लेकिन आज बहुत ही सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आज संडे है। तो देखिए अब घर में चलते हैं और आपको यहाँ का व्यू भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से है, बस बारिश ही होने वाली है ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए अब घर में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे
झाड़ू पोछा भी हो गया है, बच्चा पार्टी ने कर लिया था, और देखिए यहाँ पे घर लॉक कर दिया है, क्योंकि कचरा अंदर आ जाता है ना, तो फिर बाहर से झाड़ू वाल के बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ बॉडी लोशन, क्योंकि बर्तन और कपड़े जब धुलते हैं ना हम, तो हमारे हाथ एकदम रूखे से हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेना चाहिए ताकि हाथ हमारे नरम हो जाए। और इस टाइम ठंडी के टाइम तो हाथ बिल्कुल ही रूखे हो जाते हैं पानी और देखिए सभी काम साबुन हो गए वगैरह हैं से। तो घर के, तो अभी हम छत पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11:30 हो गई है, क्या थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए कबूतरों और पंछियों को दाना और पानी डाल के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी के जो कुंडे हैं ना, वो खींच खींच के आगे ले जाते हैं पंछी। मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश हो रही है, और थोड़ी थोड़ी बूंदे छींटे भी आ रहे हैं पानी के, ऐसा लगता है बारिश होने वाली है। और हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, और देखिए कोहरा कितना है, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा कोहरा है और बारिश होने वाली है। आज तो ऐसा ही मौसम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कबूतर आ गए हैं, पानी और दाना डाला है तो फौरन ही वो आ जाते हैं, इन्हें पता लग ही जाता है। देखिए तो ये आ गए हैं खाना खाने के लिए, देखिए यहाँ पे। से आने के बाद मैंने कहा कि चलो अब प्रेस कर लेती हूँ कपड़ों को, तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे सब कपड़े मेरे हस्बैंड के ही थे, क्योंकि हम लेडीज़ लोगों के, हमारे माँ बच्चे के कपड़े तो मैंने पहले ही कर लिए थे, क्योंकि लेडीज़ कपड़ों में इतनी देर नहीं लगती जितना जेंट्स के कपड़ों में लगती है। तो देखिए अभी खाना खाने का बाकी है, वो अभी 2:15 हो गए हैं, तो कंप्लीट हो गए हैं हमारे प्रेस करके कपड़े, तो अभी मैं इन्हें रख दूँगी और इसके बाद ही हम खाना खाना बैठेंगे। तो सुबह में क्या है कि खाना थोड़ा मैं बना लेती हूँ ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनको देना होता है टिफ़िन बॉक्स इसके साथ। तो अभी देखिए थोड़ा खाना क्या है कि कुछ बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ दोपहर के टाइम, वरना चल जाता है सुबह का हो तो थोड़ा बहुत, और रात को फिर अच्छा कुछ चिकन मटन वगैरह बना लेते हैं, अंडे है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ढोकली का सालन और गेहूं की रोटी बनाई थी, तो अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए, हमारा लंच टाइम हो गया है और अभी बज रहे हैं 2:15। तो चलिए अभी हमारे साथ आए और बिस्मिल्लाह कीजिए और लंच कीजिए। तो आई होप कि आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो आप सभी को। तो चलिए व्लॉग का एंड करती हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।